नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज़िट कर रहे हैं ग्वालियर के ज़ू को, और ये सेकंड वीडियो होगा ज़ू सीरीज़ का। और यहाँ पर आज हम विज़िट करेंगे जो यहाँ पर जहरीले सांपों का घर बनाया है, उसको हम विज़िट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो विदेशी पक्षी हैं उनको हम यहाँ पर विज़िट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, चितकबरे, हिरन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप आके विज़िट कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है जिसमें हमने आपको वाइट टाइगर और पैंथर दिखाया था जो कि इस चिड़ियाघर में मौजूद है, तो वो एपिसोड आप ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ही सेकेंड एपिसोड की तरफ आइए, जिससे कि आप पूरे चिड़ियाघर का जो पूरे नज़ारे हैं, जो पूरे जीव जंतु हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इस ज़ू को विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ का जो टिकट है बहुत ही कम है, बहुत ही आराम से आप कम दामों पे इस ज़ू को विज़िट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो समय है इस ज़ू को विज़िट करने के लिए वो है अक्टूबर से लेके आप फरवरी मार्च तक यहाँ पर घूम सकते हैं, क्योंकि उस समय पर गर्मी कम होती है। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर चिड़ियाघर में, जहाँ पर विदेशी पक्षी रखे गए हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, जो पूरा एरिया है, यहाँ पर तरी तरीके के आपको विदेशी पक्षी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कई प्रकार के आपको तोते देखने को मिलेंगे। जो पहाड़ी तोते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई तरीके के अलग अलग पक्षी आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो ये जो पूरा कैंपस बनाया है ये पूरा पक्षियों के लिए है, जो विदेशी पक्षी हैं, विदेशी चिड़ियाँ हैं, वो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। इसके अलावा इसी के पीछे एक स्नेक हाउस बनाया है, जहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार के आपको जहरीले सांप देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद हम वहाँ विज़िट करेंगे। तब तक आप यहाँ पर विदेशी पक्षियों को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्नेक हाउस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सांपों का घर बनाया गया है, और विदेशी और देशी सभी प्रकार के जहरीले सांप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही जहरीला सांप सामने दिखाई दे रहा है। इसी स्नेक घर के सामने आप देखेंगे हिरनों के कई जोड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। ये स्नेक घर से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पर आप हिरन देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर और कौन कौन से जीव जंतु हमें देखने को मिल जाएंगे। तो स्नेक घर के सामने यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जंगली सुअर देखने को, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरफ की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी भारतीय जंगली लोमड़ी, जो कि आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा ज़ू में थोड़ा सा आगे और आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं मगरमच्छ देखने को, और यहाँ पर देख लीजिए बकायदा तालाब बना रखा है, और बहुत सारे मगरमच्छ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि पेड़ों के नीचे लेटे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, पानी के बाहर भी हैं। और यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है वो पानी के बाहर बैठा हुआ है। इसके अलावा आगे भी काफ़ी सारे मगरमच्छ आपको देखने को मिल जाएंगे। Thank you.
दिखाते हैं। यहाँ जू का सबसे ज़्यादा आकर्षण का जो केंद्र है वो है ऑस्ट्रेलिया का ईमू, और ये जो है एक प्रजाति की चिड़िया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसी के सामने आप देख सकते हैं जो भारतीय भालू है, जो भारतीय जंगलों में पाए जाने वाले भालू हैं, उस प्रजाति का भालू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ईमू के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का एक और पक्षी देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है शुतुरमुर्ग।